चकाप मार, नहीं सेना हिंदुस्तान, चकाप मार, नहीं सेना हिंदुस्तान, दुरियो, चाहे दम दुरियो, चकाप मार, नहीं सेना हिंदुस्तान, चकाप मार, नहीं सेना हिंदुस्तान, दुरियो, चाहे दम दुरियो, वापस लो, भाई वापस लो, बोले कानून वापस लो, वापस लो भाई वापस लो. शंकर सिंह हूँ. आज के क्षेत्र में ज्ञापन दिया गया है. आज शिक्षक जो बेसिक शिक्षक है उनका 10 सूत्री मांग पत्र है मुख्यमंत्री के नाम, जिसमें कई ऐसे बिंदु हैं जिनको लेकर के शिक्षक परेशान है और ज़बरदस्ती उन कारणों से सबसे महत्वपूर्ण है. इधर बेसिक शिक्षकों का मूल्यांकन जो है वो विद्यालय की स्थापना के आधार पर करने का प्रयास किया जा रहा है कि इसके आधार पर उसको जो है पदोन्नति, उसका जो है इंक्रीमेंट आदि सब दिया जाएगा. हम उस व्यवस्था का जो लागू की जा रही, मेरा ये नहीं कहना कि लागू करें, लेकिन आप जिन बिंदुओं के साथ लागू करना चाह रहे हैं उसका पूरी तरह से विरोध करते हैं. वो काला कानून पत्र है, इसको वापस लीजिए और शिक्षकों के साथ बैठ करके इन बिंदुओं पर कि कैसे करना चाहिए, इनका कैसे उत्तम निराकरण हो सकता है, उसका इस तरह से निराकरण कि आप उसके आधार पर वेतन देंगे, उसके आधार पर आप उसकी इंक्रीमेंट देंगे, पदोन्नति देंगे. क्या चाह रहे हैं, क्या होना चाहिए फेरबदल? इसका फेरबदल का जो बिंदु है, सबसे पहले तो कायाकल्प का भी जो बिंदु है उसको पूरी तरह से हटाया जाना चाहिए. शेष बिंदु जो हैं उन पर जो ग्रेडिंग का बिंदु इन्होंने किया है उनको 10, 20, 30, 40 इस हिसाब से रहना चाहिए था. उन्होंने एक शर्त रख दी, या तो 10 या तो 0. ये इन सारे बिंदुओं को ध्यान में रखते हैं हम लोगों ने उसको काला कानून पत्र के रूप में उसको मांगा है और वो खारिज किया जाना चाहिए, पूरी तरह से निरस्त किया जाना चाहिए, क्योंकि ये बेसिक शिक्षकों के ऊपर एक अन्न वो लादा जा रहा है. हम काम करते हैं, मेहनत करते हैं, विद्यालय की व्यवस्था को आप नहीं देखते हैं और आपने एक बोला दी, इसलिए इस पत्र को पूरी तरह से वापस किया जाए. और सब शिक्षक हम जो दे रहे हैं, हमारे साथ आप दिन भर मेरे से काम कराते हैं, 20 बार दौड़ाते हैं, उन कागजों के खेल में शिक्षक हमारा पूरी तरह से बाबू बनकर रह गया है. उन पर ध्यान देने वाला कोई नहीं है. किसको ज्ञापन दिया? ज्ञापन मुख्यमंत्री को संबोधित है, जिला अधिकारी के माध्यम से जो है वो ज्ञापन जाना है. और शिक्षकों की बहुत पुराने 2001 में माननीय राजनाथ जी के जमाने में 1